एक फिल्म है भोर, शायद आपने नाम सुना हो क्योंकि इस फिल्म को देश की सबसे बड़ी फिल्म फेस्टिवल 49वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया के लिए चुना गया है जो गोवा में आयोजित हो रहा है। इस फेस्टिवल में दुनिया भर की अलग अलग भाषाओं में बनी कुछ चुनिंदा फिल्मों को ही जगह दी जाती है। इस बार फेस्टिवल में 65 से ज़्यादा देशों में से हिंदी कैटेगरी में सिर्फ 2 फिल्मों को सेलेक्ट किया गया है। पहली फिल्म निर्देशक सुजीत सरकार की अक्टूबर और दूसरी फिल्म है भोर। भोर मुसहर समाज की एक महिला के संघर्ष की कहानी है। बॉलीवुड में मुसहर जाति के दर्द और संघर्ष को पहली बार इतनी बारीकी से पर्दे पर फिल्माया गया है। किसी फिल्म के लिए ऐसे विषय को चुनना बड़ी चुनौती होती है, लेकिन इसे एक बिहारी डायरेक्टर कामाख्या नारायण सिंह ने इस चुनौती को स्वीकार किया और बखूबी इसे पर्दे पर दिखाया। मेरा जन्म आसाम में हुआ है पर बिहार से संबंध रहा है क्योंकि पिताजी और माताजी बिहार से थे, हम ओरिजिनली बिहारी हैं, तो बिहार से लगाव तो रहा है हमेशा और रहेगा हमेशा। बिहार में शूट करना बड़ा स्पेशल था और हमेशा रहेगा। फिल्म भोर की स्क्रीनिंग के दौरान गोवा की राज्यपाल और बिहार की बेटी मृदुला सिन्हा ने फिल्म के आगे अपने प्रयासों को शून्य बताते हुए डायरेक्टर कामाख्या नारायण सिंह को सम्मानित किया। पूरी टीम को बधाई देते हुए उन्होंने कहा कि इस फिल्म को अधिक से अधिक जगह दिखाया जाना चाहिए। भोर की स्क्रीनिंग ने भी सभी का दिल जीत लिया है। सही चित्रण है समाज का, ऐसा नहीं कि एयर कंडीशन में बैठ के हम कहानी लिख रहे हैं और गांव को देख रहे हैं। ये तो लगता है कि साथ साथ बैठ के उनके सारे डायलॉग सुन के और सारे हम सब मिलकर के सारे दर्शक कुछ स्थानों पे कुछ डायलॉग पे सब एक साथ हंसे हैं। मतलब है कि आप उस भाव को समझ रहे हैं, बहुत दूर नहीं, अभी गांव से आप और हम बहुत दूर नहीं गए। सचमुच में भूल गई थी मैं गोवा में हूँ, तो मैं तो बहुत बहुत इनको बधाई देना चाहूंगी। अभी कुछ देर पहले मैं इनको कह रही थी कि इसी विषय को लेकर मैंने उपन्यास लिखा था, लेकिन मैं आज आप सब के सामने ये स्वीकार करती हूँ कि मैंने कुछ भी नहीं लिखा। मैं कहती थी कि मैं मुसहर जाति के जो लोग हैं मेरे दरवाजे के सामने रहते हैं और मुझे उस घरों में मेरे पति ने भेजा था कि जाइए देखिए और उनके बारे में लिखिए, मैंने लिखा था, लेकिन आज मैं हार गई। जिस तरह से इन्होंने प्रस्तुत किया है इतना सुंदर, इतने लोग भूल गए कि हम कहाँ बैठे हैं, वहीं बैठे हैं, उन्हीं के साथ हैं। तो मैं बहुत बहुत, और ये सबसे पहले जब मैंने स्वीकार किया कि मैं आऊंगी भोर, जो एक बहुत ही प्रतीकात्मक शीर्षक है, आप सब समझते हैं भोर सूर्योदय के पहले की जो स्थिति होती है। मैं तो स्वयं गांव की रहने वाली हूँ, इसलिए मैं जानती हूँ कि उस भोर में महिलाओं को उठाया जाता था, बहुओं को बाहर खेत में जाना है, वो सिलसिला अब भी जारी। लेकिन भोर का सिंबल है कि आखिर भोर आता है अंधेरे के बाद, उसकी आशावादी सकारात्मक उससे चीज निकलती है। तो पूरी टीम, सबसे आश्चर्य लगता है एक्टिंग पर, मैं समझती हूँ कि वो मुसहर जाति के लोग नहीं है, हम सब जानते हैं, लेकिन इस तरह की एक्टिंग है जो हमने देखा हुआ है उनको, उनका बॉडी लैंग्वेज है, उसको भी उसी तरह उतारना, सचमुच इस पिक्चर को तो बहुत जगह दिखाना चाहिए, हर जगह, और मैं भी इसको बहुत जगह दिखाऊंगी। बहुत अच्छा लगा और जितने भी दर्शक एक मन के होकर सारे दर्शक एक तरह हुए हम लोग देखे हैं, मैं समझती हूँ कि जो मेरा भाव है वही भाव आप सबका भी होगा। और मैं चाहूंगी कि ये हमारे जो राइटर हैं, ये निर्देशक हैं, सब कुछ इनकी जो टीम है, एक्टिंग है, मैं चाहूंगी कि वो सारी टीम इस तरह की पिक्चर भी बहुत सारे फिल्म बनाए, ये मैं शुभकामना आपको देती हूँ और समाज के लिए कि इसका बहुत ही आप अपने ढंग से प्रचार प्रसार करें ऐसे फिल्म को। मैं समझती हूँ कि इसको स्वीकार मिलेगा
और केवल फिल्म का जो उद्देश्य है, फिल्म क्यों बनाया गया है हम सब समझ रहे हैं, उसके मैसेज को ही आगे बढ़ाना है, मेरा कोई अपना मैसेज नहीं है। बहुत बहुत बधाई। भोर फिल्म मुसहर समाज की नाबालिग लड़की बुधनी की कहानी है, जिसकी पढ़ाई की उम्र में शादी कर दी जाती है। बुधनी अपनी शर्तों पर जिंदगी जीना चाहती है। वो अपनी मर्जी से पढ़ना और अपने हमसफर को चुनना चाहती है। इसके लिए वो परिवार, समाज और खुद से लड़ती है। अपने सपनों और इच्छा शक्ति के बूते पूरे देश में आंदोलन खड़ा कर देती है। फिल्म में बुधनी का संघर्ष देखने लायक है। इस कहानी को निर्देशक ने बहुत ही खूबसूरती से दिखाने का प्रयास किया है। बता दें कि इस फिल्म का 80% हिस्सा बिहार के नालंदा जिले में शूट किया गया है। भोर की कहानी बिहार के मुसहर समाज की है और इसलिए महत्वपूर्ण था कि हम इसकी शूटिंग बिहार में करें। मैं रियल फिल्म पे बिलीव करता हूँ और जब रियल फिल्म पे बिलीव करता हूँ तो आप रियलिस्टिक लुकिंग सेट्स बना सकते हैं पर रियल सेट्स नहीं बना सकते। इसलिए इम्पॉर्टेंट था कि मुसहरों के गांव में जाएं, उनके घर में रहें और उनके साथ शूट करें। किरदारों में एक असली मुसहर ही दिखे, इसके लिए फिल्म के निदेशक कामाख्या नारायण सिंह ने कलाकारों को कड़ी ट्रेनिंग दी है। उन्होंने कलाकार को मुसहर लोगों के घर में रखा, उन्हें वहीं खाना खिलाया, कपड़े पहनाए और काम करवाया जो मुसहर समाज के लोग करते हैं। मतलब कलाकारों ने अपनी दिनचर्या एक मुसहर समाज के व्यक्ति के तौर पर जिया। यही वजह है कि फिल्म सच्चाई के बेहद करीब लगती है। बिहार में पहले शूटिंग होती नहीं थी बहुत ज़्यादा, तो थोड़ी मुश्किल हुई हमें, पर नालंदा और नवादा के बीच में ये दो जो गांव थी, गोपालपुर और पेंगरी, वहाँ लोगों ने हमें बहुत मदद किया। सिर्फ मुसहरी नहीं, हर समाज के लोग हमारे साथ आते थे, हमारे साथ खाना खाते थे, हमारे साथ बैठते थे, रोज चर्चा करते थे क्या करना है क्या नहीं करना है। हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा बिहार में शूट करने का। डायरेक्टर साहब ने किरदारों की सच्चाई को बनाए रखने के लिए उन्हीं के कपड़ों को कॉस्ट्यूम के तौर पर चुना जो मुसहर लोग पहनते थे। दरअसल वो किरदार के हिसाब से गाँव वालों से ही कपड़े मांग लेते थे और हाँ, इसके बदले में उन्होंने कई गांव वालों को नए कपड़े भी दिए। छोटे बजट की इस फिल्म में खूबसूरती से सामाजिक ताने बाने और सपनों की लड़ाई को दिखाया गया है। भोर की खासियत यह है कि ये फिल्म पूरी तरह से रियल सेट पर तैयार की गई है। फिल्म डायरेक्टर कामाख्या नारायण सिंह की इस पहल ने बिहार में बड़ी क्रांति लाने का प्रयास किया है। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल द जेड प्लस को सब्सक्राइब कर लें और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें और फॉलो करें। शुक्रिया।